हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट कोटा के बारे में। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा के लिए सीट्स रहती हैं, उनमें एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू लाइक माय वर्क, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मैं अनुराग ठाकुर, लीडरशिप कंसल्टेंट, करियर कोच एंड मेंटोर। सबसे पहले बात करेंगे सीट्स पर। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितने सीट्स मैनेजमेंट कोटा के अंडर रहते हैं? जनरली इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस 20% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मैनेजमेंट कोटा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। सो फॉर डायरेक्ट एडमिशन, आपके 12th में 50% से ऊपर मार्क्स रहनी चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है, आप वहाँ काउंसलर से अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। So hope you all like the video. Contact us regarding any query. Thank you and stay tuned.